छह नंबर स्तुति। नंदिया नंदिमा परमिक नमियो शीत सुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समझ मुनि गुरु संसार विहार धर्म जुत तउ जिन वर अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारम्बार विस्तार श्री 24 प्राणाधीन प्राची ओम शुद्धं च शुद्धात्मनं अविनमयुवनस्वभावमनस्यममिदं मैमूर्तिज्ञानं ध्रुवं लोकालोकस्वयं सुरं च श्रियं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु शुद्ध भाव संत तारण मूलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय श्री 24 स्थान अंतर आचे मंगलाचरण जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण स्वामी श्री 24 थाना जी ग्रंथ में हम सभी को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक जीव के अंदर में कठोरता होती है पर्याय का अहम होता है तब तक वो अपने कर्तव्यों से विमुख लौकिक और आध्यात्मिक पारमार्थिक सभी कर्तव्यों से विमुख होके और मनमानी करता हुआ अज्ञान भाव में आचरण करता है
और अज्ञान भाव में आचरण करते हुए कठोर परिणाम वाला वो जीव छल कपट मायाचारी राग देश इन नाना प्रकार की विषम परिणाम परिणति में वह जीव अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद करता हुआ इन 24 स्थानों में उत्पन्न होता है और वार बार जन्म मरण की वेदना को सहन करता है। जब तक जीव की दृष्टि अपने सूक्ष्म अग्र लघु अव्यवाद आदि सम्यक रूप इन गुणों पे नहीं है, जहां तक जीव को अपना स्वभाव स्वीकार नहीं होता, बस अपने सिद्ध स्वभाव को तारण स्वामी ने कहा था कल कि परम इष्टि सुचरणम, जहां अपने परम इष्ट स्वभाव को जीव आचरण में नहीं जानता, उसकी महिमा को नहीं जानता, तब तक इस जीव का उपयोग इन विषम जो आत्मा के लिए अनिष्टकारी परिणाम है इन विकार परिणामों में लगता है। और आश्चर्य की बात यह है कि अनादि काल से जीव इन विकार परिणामों को जैसा का तैसा कर रहा है। मिथ्यात् की प्रकृति जैसी की तैसी है, कसायों की प्रकृति जैसी की तैसी है, क्या कहते हैं मिथ्यात् भी वही है, अज्ञान भी वही है, और क्या कहें आप जितने भी कर्म के बंध हैं 148 कर्म की प्रकृतियां हैं वो जैसी की तैसी हैं। अर्थात जीव अनादि काल से द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का संचय कर ही रहा है, इन कर्मों को बांध रहा है और वैसे ही वैसे परिणाम राग के देश के मोह के वही वही परिणाम निरंतर कर रहा है, और इन परिणामों को निरंतर करते हुए भी इन विभाव भाव को निरंतर करते हुए भी उस जीव को अपने स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, आत्मा की महिमा नहीं आ रही। ये नहीं लग रहा कि वो ही राग कल कर रहे थे, वो ही राग आज कर रहे हैं, वो ही द्वेष वैर विरोध की भावना कल अपने मन में थी, वो ही वैर विरोध की भावना आज अपने मन में है, वो ही अहंकार के लिए कल मरे जा रहे थे, नाम के लिए प्रतिष्ठा के लिए पद के लिए कल मरे जा रहे थे, उसी नाम के लिए उसी पद के लिए उसी प्रतिष्ठा के लिए आज मरे जा रहे हैं। जीव को जरा सा भी ये भान नहीं हो रहा कि उसका जीवन कैसा इन कर्मों के इर्द गिर्द घूमता हुआ निकला जा रहा है। आप खुद विचार करो, अच्छा होता आपका और हमारा जीवन जो व्यतीत हो रहा है वही राग की परिणति, वही देश की परिणति, वही अहंकार, वही नाम, वही मकान, वही दुकान, वही पद, वही प्रतिष्ठा, वही समाज, वही पुत्र, वही परिवार, संयोग भी उतना ही दिख रहा है अपने को, संयोगी भाव जिनके पीछे अपन विकल्प कर रहा है, और विकल्प भी वही वही विकल्प, पैसा कमाने का विकल्प वही विकल्प, कितना जुड़ जाए है ना, काम भोग का विकल्प वही विकल्प, खाने पीने का विकल्प वही विकल्प, कभी खट्टा तो कभी मीठा, कभी कसायला कभी चिरपरा, तो विकल्पों की भी जीव के जो अंत में राग द्वेष के विकल्प है उनमें भी कुछ मोटे मोटे विकल्प अपन देखें तो वो निरंतर है, वो उन विकल्पों की साइकिल निरंतर चल रही है, लेकिन देखो निरंतर उन्हीं उन्हीं विकल्पों में लगा हुआ ये जीव एक पल के लिए भी थक नहीं रहा, और थकान होती है तो क्या करता है भैया बड़ी आग बंद कर सो गए, अब दिन भर विकल्प करके थक जाता है तो रात में क्या करता है आग बंद करके सो गए, कहने क्या हुआ भैया, कहने लगे वो जो इंद्रियों का वो थकान हो गई थी ना, तो क्योंकि निद्रा अचेत अवस्था है, इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है, तो वो थोड़ी देर के लिए प्रवृत्ति रुकी, आराम हो गया, कहने लगे बढ़िया फ्रेश हो गए, रात भर सो के फ्रेश हो गए, उससे वो उठे तो कहने लगे फिर वही तो फ्रेश व्रेश नहीं होते लेकिन थक जाते हैं ना, थकान हो जाती है, तो वो थकान निकल जाती है, कहने सोए फिर वही वही साइकिल चल, वही विकल्प, वही संकल्प, वही निर्णय, वो जैसा का तैसा परिणाम कर रहा है। और देखो अपन बाहर मेरी कोई ये कपड़े मेरे अपने 2-4 महीने पहन लेना तो लगता है 4 महीने होगा, 6 महीने होगा, साल भर होगा, 2 साल होगा, भैया हटा फेंको अलग, 4-6 दिन एक जैसी ड्रेस पहन दो ना ऐसा लगता है कि पगला आ गए, कहने लगे कहने लगे 6 दिन से एक ही कपड़े पहने ऐसा लगता है। तो भगवान आत्मा बाहर कपड़े भी अपन ज्यादा नहीं पहन पाते, ज्यादा दिन तक नहीं पहन पाते, लेकिन ये विकल्प तो देखो जैसे के तैसे मन में चल रहे हैं अनादि अनंत काल से, या फिर अनादि अनंत काल छोड़ दो भाई, जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाला है, जब से वही चिंता, खाना पीना पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी समाज संप्रदाय, वो एक ही वही शल्य, वही शल, आज से 10 साल पहले भी यही शल्य थी, क्या शल्य थी कि मोड़ा बड़ा होगा तो उसकी शादी कैसे करेंगे,
और कहना हाँ 10 साल बाद भी वही साल कि भैया मोड़ा 28 साल का हो गया तो बाकी शादी हो ही नहीं रही। तो कहने लगे क्या हो रहा है भैया क्या हो रहा है। तो कह रहा सल वही की वही सल, वही की वही चिंता है, वही की वही आकुलता है, वही का वही विचारधारा, वही कुंठित मानसिकता। जैसे संसारी जीव, संसार के संसारी जीव जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही उन अज्ञानी जीवों के संग में रहते रहते वैसे ही हम सोचने लगे। अच्छा बताओ, 4 महिलाएं जो बेटी क्या बात करती हैं कि 2 पैसे कैसे बचेंगे, घर के कचरे से 2 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये निर्णय करते कि नहीं करते। ये विचार करते हैं ना कि ये फलानी चीज का उपयोग कैसे कर ले, या इसने क्या कहा था उसने क्या कहा था। और जब 4 पुरुष बैठते हैं तो निंदा, समाज की कथा और देश की कथा, राजनीति, व्यापार कथा, तो ये सब है क्या? आपने कभी विचार किया कि हमारे विचार भी, हमारे परिणाम भी, हमारे जो कुछ निमित्त संयोग है उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं की चिंता में, उन्हीं के विकल्पों में, उन्हीं वस्तुओं को बार बार अपन अपने अंतर में कर्ता भोक्ता की मानता होने के कारण उन्हीं वस्तुओं को अपन बार 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 अपनी साइकिल में, अपनी विचारधारा में उन्हीं वस्तुओं को बार बार चिंतन का विषय बना रहे हैं, चिंता चिंतन चिंता का विषय बना रहे। यदि एक बार भी आपने ये विचार कर लिया होता कि धन से मेरा कोई संबंध नहीं है, पुण्य की वजह से आता, यदि एक सिद्धांत भी स्वीकार हो गया होता ना, तो जन्म से लेके, या फिर जब से होश संभाला है, दुकान चला रहा है, जब से लेके अभी तक धन को लेके कोई विकल्प नहीं होता, तो एक वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया होता कि धन अपने पुण्य की वजह से आता, तो फिर उसकी हानि का भी विकल्प नहीं होता, उसके लाभ की चिंता भी नहीं होती। एक बार यदि किसी वस्तु का निर्णय कर लिया जाए तो फिर चिंता नहीं होती। यदि होता सच्चा निर्णय तो, जैसे कि जीवन भर से भैया आकुलता हो रही है, काहे की आकुलता हो रही है भैया, हमारा मकान कब बनेगा। यदि ये आकुलता ने जब जन्म लिया था ना, तभी तुमने जिनवाणी का सहारा लेके, भगवान के वचनों का आश्रय लेके ये निर्णय कर लिया होता कि जब भाग में होगा तब उसका निर्माण हो जाएगा। जीवात्मा अभी तो निराकुल आनंद में जियो, अभी तो आश्रम भाव से बचो, अभी तो पर पदार्थ की आसक्ति तोड़ो, अभी तो अनंत आनंद कथा छोड़ो। अरे सोचो तो, 12 साल 15 साल मकान बनाओगे, 15 साल तक तो उसके राग परिणाम में, मोह परिणाम में मरोगे, तो अनंत आनंद कथा कितनी खतरनाक बन जाएगी। और वो जो अनंत अनंत आनंद कथा जो बनेगी, वो अनंत आनंद कथा तुम्हें उस मकान में दीमक बना के जन्म लेगी। तुम दीमक बन जाओगे वहीं, और फिर उस मकान को खाओगे। तो बनाया तुमने है तो नष्ट भी तो तुम ही करोगे ना, कि नहीं करोगे। तो जीव आत्मा ये उदाहरण इसलिए दिया है कि अपन एक ही विकल्प को पकड़ के उस विकल्प में पूरा जीवन लगा देते हैं। एक विकल्प, एक निमित्त पकड़ के, एक विकल्प पकड़ के उदाहरण दे रहे हैं अपन। और अपन यदि 10 20 25 50 चीजों का निर्णय कर लें, जैसे माता पिता पुत्र परिवार भाई बंधु, अपन संयोग लिमिटेड संयोगों के बीच में रहते हैं, यदि 10 20 25 50 चीजों का भी यदि निर्णय हो जाए है, तो आपके जीवन में निराकुलता ऑटोमेटिकली है। देखो भैया, क्या कहें, भगवान का वस्तु स्वरूप तो बहुत है, भगवान की वाणी में तो बहुत विस्तार आया है, द्रव्याणि योग तो बहुत बड़ा है, कर्णानि योग के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, पद्मानि योग की कथाएं तो बहुत ज्यादा है, के लगे चरणानि योग में भैया आचरण तो बहुत कठिन है। ये सारी बातें तो अपन करते हैं, लेकिन आप मत पढ़ो इतने ग्रंथ भैया, यदि समय नहीं है आप, यदि ईश्वर के तो समय नहीं है, कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा। अरे जिन निमित्तों के बीच में रह रहे हो, उन 2 4 10 20 निमित्तों का ही सही निर्णय कर लो, उन 2 4 वस्तुओं का ही सही निर्णय कर लो। ये 2 4 10 वस्तुओं का ही सही निर्णय हो गया ना, तो निराकुलता अपने आप ही आएगी, और फिर सब वस्तुओं का निर्णय अपने आप ही यथार्थ हो जाएगा। एक सम्यक की किरण आएगी तो पूरे विचारधारा सम्यक हो जाएगी। तुम तो 2 4 वस्तुओं का ही निर्णय कर लो, 2 4 वस्तुओं का निर्णय कर लो। जिन वस्तुओं से तुम्हें ज्यादा आकुलता होती है ना, पहले तुम उनका निर्णय कर लो भगवान, उनसे अपना प्रारंभ कर लो अपना काम भी। जिनसे ज्यादा आकुलता होती है ना, उन्हीं को अपना निमित्त बनाओ काय का वैराग्य का, या उन्हीं को अपना निमित्त बनाओ। जिन वस्तुओं से ज्यादा आकुलता होती है ना, जिनके पास ज्यादा राग है, ज्यादा द्वेष है, ज्यादा कसा है, उन वस्तुओं को ही आधार बनाओ सम्यक चिंतन का, उस वस्तु का ही स्वरूप विचारो, और उस वस्तु के जिस जिस परिणाम से
आपको आकुलता हो रही है उस वस्तु के जिस जिस पहलू से आपको आकुलता हो रही है, उस पहलू को, उस वस्तु को, उस निमित्त को ही पूर्णता सम्यक चिंतन का विषय बना, उस वस्तु का पूर्णता विचार करो। यदि ऐसा भी यदि कोई जीव कर लेता है तो उसके जीवन में समता, शांति, आनंद अपने आप बढ़ता है। पहले बता, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? संजलि दीदी गायब है क्या? बताओ दीदी, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? संजलि दीदी है तो चलो, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अरे कितनी सरल सी बात कह रहे हैं, कितना इजी गो, अरे ये मार्ग कितना सरल है। ये जो वीतराग जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, ये जिनेन्द्र भगवान का जो मार्ग है ये कितना सरल है, ये कैसे सरल है? अरे देखो तो, आपको यदि ज्यादा जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा सा ही स्वाध्याय कर पाए हो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इतना ही आप जानते हो कि मेरी आत्मा है, शरीर से भिन्न है। भगवान के द्वारा कहे कर्म सिद्धांतों में यदि पुण्य पाप अकेले कई निर्णय करना जानते हो आप, यदि आप थोड़ा बहुत ही जानते हो, ज्यादा नहीं जानते तो भी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत जो आप जानते हो तत् निर्णय वस्तु स्वरूप, उतने में ही मोक्ष हो जाएगा भैया, उतने में ही काम हो जाएगा, उतने में जीवन में समता आ जाएगी, उतने में जीवन में आत्म अनुभव की क्रांति आ जाएगी, उतने में ही जीवन में आत्म शांति आ जाएगी, भेद विज्ञान होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, थोड़ा बहुत ही जानते हो तो। लेकिन भैया जितना जानते हो, भैया जी जयतांतन जय शुद्धातम। जी भाई जी स्वागत है भैया जी। जब से ये तत्व चर्चा जुड़े हैं ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजों से सुधार आया है और चिंतन चलता है जब तब वस्तु स्वरूप का। तो अभी जब महाराज जी का रोज उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ चल रहा है, उसमें वास्तव में प्रतिदिन जो गाथाएं निकलती है उसमें तो 99% वस्तु स्वरूप के ऊपर उद्बोधन होता है। ऐसा लगता है गुरु महाराज ने वस्तु स्वरूप को जो बताया है उसमें बहुत आनंद की दशा है। और ऐसा नहीं है कि तत्व चर्चा सुन के जीवन में आसक्ति कम नहीं हो रही है, बहुत मतलब मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं पाया है, भावों की संभाल भी हो रही है कि इस भाव से हमारे क्या दशा होगी, इसको संभाल भी सब आने लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी यहाँ आंशिक आया है, लेकिन आया है जी। बस भाई शुरुआत हो गई है, अब शुरुआत हो चुकी है, अर्थात मोक्ष मार्ग में अपन आगे बढ़ चुके हैं, भगवान के वचनों के श्रद्धान हो ही गए हैं, आवृत सम्यक दृष्टि की लिस्ट में अपना नाम आ ही गया है, चौथा गुण स्थान अपना हो ही गया है। जब आज्ञा सम्यक भी है, भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान वर्ती हो ही गए। एक वो नया उपाय कि जिन निमित्तों में अपन ज्यादा अधीर हैं, बस उन निमित्तों को क्या बोलते हैं, आकुलता का विषय ना बनने दो, उन निमित्तों को सम्यक चिंतन का विषय बनने दो। जैसे कि उदाहरण देते हैं हम आपको, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप सुनोगे कि सास बहू को सब कहते हैं बेटा, सास बहू को उदाहरण सभी देते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम फेमस होता है, अपन बाप बेटा का ले लेते हैं। यदि मान लो पिता पुत्र की नहीं पट्टी हुई, यदि मान लो पिता और पुत्र की नहीं पट्टी, तो एक पिता या फिर एक पुत्र पिता के नाम पे कुंठता रहता है भैया, या पिता पुत्र के नाम पे कुंठता रहता है, क्या करता रहता है भैया, कि देखो तो ये पिता कितना कंजूस है, पूरी प्रॉपर्टी पे अपना राज जमा के बैठा है, मुझे मन मर्जी खर्चा नहीं करने देता। ये नाना प्रकार के परिणामों में यदि वो पुत्र भैया आकुलित व्याकुलित हो रहा है, और यह पिता बेचा कितना खर्चीला है, कितना बर्बाद करता है, कैसा करता है, या फिर मैंने कमा कर रखा अब मुझे नहीं दे रहा, मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, ये यदि ये सब पिता विचार करके आकुलित होता है, तो देखो तो दोनों के लिए निमित्त एक ही है ना, पिता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए बेटा। यदि इस निमित्त से जो जीव विचार कर रहा है, काय का विचार कर रहा है, आकुलता, आकुलता का पीड़ा का विचार कर रहा है, पीड़ा चिंतन कर रहा है, उस निमित्त को पकड़ के क्या बोलते हैं, अपने परिणामों में निरंतर बिगाड़ कर रहा है। और यदि उस एक ही निमित्त को यदि ये जीव सम्यक चिंतन का विषय बना ले कि ये पुत्र या ये पिता इसका परिणाम ही ऐसा है, या पूर्व भाव का मेरा वेरी है, या फिर इसके संस्कार ऐसे हैं, यदि उसी निमित्त को यदि सम्यक चिंतन का विषय बना लिया जाए, उस एक निमित्त को अकेले, तो उस एक निमित्त को अकेले को सम्यक चिंतन का विषय बनाने से आपका अनंत संसार कट जाए।
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक निमित्त के प्रति यदि अपनी भावना बुरी होती है, तो हम पूरे संसार से तो अच्छे से बात कर सकते हैं, बस उस एक व्यक्ति को फूटी आंख नहीं देख सकते। तो जिस एक व्यक्ति को हम फूटी आंख नहीं देख सकते, बस वो ही अनंत अनुबंधी कसाई के बंध का कारण है, और वो ही अनंत संसार का कारण है। बस वो एक ही है अनंत संसार का कारण, बाकी दुनिया का सब फुकलेट है, कुछ नहीं है बाकी दुनिया का, एक अपेक्षा से। अब जो हम कह रहे हैं बेसा समझना, आश्रव तो अनंत संसार का, मिथ्या दृष्टि अनंत अनुबंधी जीव कसाय का उदय है, तो हर निमित्त से हो रहा है। लेकिन बात यहां विशेषता की अपेक्षा कथन चल रही कि जो आपको फूटी आंख नहीं भा रहा, जिसके लिए आपको तीव्र राग है या जिसके लिए आपको तीव्र द्वेष है, वो ही आपके अनंत संसार का कारण है। और उसी निमित्त को आप आधार बना के जब सम्यक चिंतन करोगे सावधान, तब आपका यह अनंत संसार कितनी जल्दी कटेगा ये आपको पता नहीं लगेगा। अनंत संसार को काटना है आपको, तो आप जो निमित्त आपके आसपास विशेष रूप तौर पे हैं, उनको आधार बनाओ, जिनसे आकुलता व्याकुलता अधिक है आपको, जिनका विकल्प आपके चित्त में निरंतर है, उन्हीं को सम्यक चिंतन का आधार बनाओ, तो आप आसानी से विकारी परिणामों से मुक्त हो सकते हो। बहुत आसान तरीका है विकार भाव से छूटने का। क्योंकि एक बात याद रखो भैया, आप यहाँ मंदिर में बैठ के सम्यक चिंतन कर सकते हो, लेकिन जिससे आपकी पट्टी ना हो उसके सामने बैठ के सम्यक चिंतन नहीं कर सकते, या फिर जिसके जिसके प्रति आपको तीव्र राग हो उसके साथ बैठ के सम्यक चिंतन नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते भगवान जी? क्योंकि सम्यक चिंतन करने के लिए वहां तीव्र राग और जो द्वेष की परिणति है उनका अभाव होना जरूरी है, और अंतर आत्मज्ञान की जागृति होना अनिवार्य। सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत को अपन जितनी तेजी से ग्रहण कर लें उतना जल्दी अपने अंतर में सुख, इतना सुख होगा आपके जीवन में, इतना सुख होगा, इतना आनंद होगा कि उस सुख के आगे और कुछ नहीं मिलेगा। सुख है आत्मा में, बहुत सुख है, लेकिन उस सुख को अपन ने नष्ट किया है अपनी अज्ञान मानता से। यदि हम क्या कह रहे हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं करो, आप ज्यादा वस्तु स्वभाव को चिंतन नहीं कर सकते, ज्यादा आगम नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा स्वाध्याय भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सिद्धांतों का ज्ञान भी आपको नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। हाँ, यदि समय शक्ति उपयोग है और आप कर पा रहे हो तो अति उत्तम। सारे अनुयोगों का अभ्यास करने का यदि समय है तो पाप विषय कषाय से हटके अभ्यास करना ही चाहिए, बहुत लाभ होता है। हाँ, लेकिन नहीं कर पा रहा है, व्यस्तता की आपाधापी की जिंदगी है और कर्म उदय के संयोगों के बीच में समय निकालना अति दुर्गम है। चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जी जो वर्तमान में निमित्त है उन्हीं को अपने सम्यक चिंतन का आधार बनाओ। अपनी कुपोषित मानसिकता को छोड़ो, अज्ञान मानता के दुखों को छोड़ो। अज्ञान जीव को रुलाता है, अज्ञान जीव को भ्रमित करता है, अज्ञान जीव को पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का वेदन कराता है। इष्ट इष्ट का वेदन कराता है तो जीव सुख मानता है, और अनिष्ट का वेदन कराता है तो जीव दुख मानता है। जीव आत्मा जिन निमित्तों से ये सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, उन निमित्तों को सामने रख के उन्हीं के बारे में विचार करो, चिंतन करने की आदत डालो, और जहां एक एक पर्याय को, एक एक अवस्था को, अपने सामने घटने वाली घटनाओं को जब अपन वार वार देखेंगे, भैया क्या घट रहा है, हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, हमारी परिणति कैसी चल रही है, हमारा परिणाम कैसे चल रहा है, हमारे मोह का निमित्त कौन है, हमें तीव्र मोह का निमित्त कौन है, हम कौन सी वस्तु पे ज्यादा आकर्षित है, हम कौन से परिणाम पे ज्यादा ज्यादा आकर्षित है, हमें कौन सी संज्ञा ज्यादा प्रेरती, आहार व्यय मैथुन परिग्रह, हम कौन से परिणाम पे ज्यादा मूर्छित है, हमें हमारी आकुलता का कारण कौन सा भाव है, कौन सा निमित्त है, कौन सा व्यक्ति है। आप यदि ऐसा पकड़ पाते हो कि हम इसके कारण से मूर्छा मूर्छित है, तो आप उसी को अपने सम्यक चिंतन का विषय क्यों नहीं बनाते? याद रखो भगवान जी, उसे आधार बना के जब आप उसी को सम्यक चिंतन का विषय बनाओगे तब आपका काम सिद्ध होगा। भाई देखो, एक राग ऐसा है जिस राग के साथ, जैसे अपन घर में चार लोग रह रहे हैं, तो चार लोगों के बीच में अपना अनुराग है, तो उन चार लोगों के बीच में अनुराग है, तो उनके अनुराग के साथ अपन क्या कर सकते हैं, सम्यक चिंतन कर सकते हैं भाई, आत्म चिंतन कर सकते हैं। जैसे कि भैया, जैसे जिनवाणी से अनुराग है, ये जब तत्व चर्चा सुन रहे हैं आप, भैया भैया जी से अनुराग है या महाराज जी से अनुराग, तो इनका इनके साथ अनुराग होने से क्या होता है भैया, धर्मात्मा जीवों में तो क्या होता है, इनके साथ बैठ के सम्यक चिंतन किया जा सकता है, कुछ
कुछ भी करा जा सकता है। लेकिन मान लो आपको अपने पुत्र से मोह है, राग है, तीव्र राग है, जब उसकी शल्य चिंता चलेगी ना तो आप समय चिंता नहीं कर पाओगे। अरे आपको ये बताना है भैया आज भैया जी क्या बोल रहे हैं को खांसी चल रही थी, या आज महाराज जी को बुखार आ रहा था, भैया महाराज जी पूरे ढाक फोड़ के बैठे हुए थे, तो आज महाराज जी को बुखार आ रहा था, यदि आज महाराज जी से अनुराग है ना आपको, तो आप ये उनके उनके साथ समय चिंतन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो लेकिन ये ही आपके लड़के को यदि बुखार आ रहा होगा ना, तो फिर आपका समय चिंतन कहाँ गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा ही क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अशुभ मोह का जो वेग आपके अंतर में चलेगा, वहां जो आपको उसमें अपनत्व पने की जो भासना चलेगी, राग का जो तीव्र वेग चलेगा, वो अशुभ राग, वो आपके सम्यक चिंतन को नाश कर देगा, पूरी तरह से विनाश कर देगा। और अपने संयोग में ये जो निमित्त है जिसके प्रति अपने तीव्र मोह राग होता है, वो निमित्त अपनी पूरी चेतना को नाश करता है। तत्चर्चा सुनते हो भैया, तो तत्चल सुनने से यहाँ भी राग का परिणति आती है, लेकिन यहाँ की राग की परिणति राग रूप होते हुए भी कहीं ना कहीं भैया हमें जिनवाणी सुनने का तत्चल सुनने का लाभ आत्मचिंतन करने का मार्ग बना देती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ यहाँ आपको इतना मोह नहीं है कि आप मोबाइल खोल के बैठ जाओ और भैया जी को देखते रहो, या महाराज जी को देखते रहो और महाराज जी भैया जी क्या कह रहे हैं कान भी ना पड़े, सुनाई ना, ऐसा नहीं। लेकिन जिन निमित्तों के बीच में आपको तीव्र मोह है, मान लो यहाँ तत्व चर्चा सुनते ही सुनते यदि आपके घर में आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए, या फिर कोई कुछ कह दे ऐसी बात जो आपके पिकल का कारण बन जाए, तो आप यहाँ चर्चा से उपयोग पूरा हट जाएगा, पूरा उपयोग हट जाएगा और पूरी परिणति यहाँ से हटके और पूरी परिणति वहां चली जाएगी और फिर सम्यक चिंतन नष्ट हो जाएगा। तो हमारा अभिप्राय यह है कि जहां अपने को अपनी मूर्छा रूप अशुभ अज्ञान धारा जहां अपने को तीव्र ममत दिखाई देता है, जीवात्मा उन राग निमित्तों में या उन द्वेष निमित्तों में, राग के और द्वेष के दोनों निमित्त भी, उन राग द्वेष के निमित्तों में तुम सम्यक चिंतन का आधार क्यों नहीं बनाते। देखो ये मंदिर में बैठ के आत्मा आत्मा कहना बहुत सरल है, तत्व चर्चा सुनते सुनते सिद्धार्थ देव की जय कहना बहुत सरल है, और भैया अनुकूल प्रसंगों में आत्म आराधना करना, आत्म आराधना की बातें करना बहुत सरल है भैया, आत्म आराधना करना तो हर प्रसंग में अनिवार्य है, आत्म आराधना तो हर जगह उत्कृष्ट है भैया। हाँ, आत्म की चर्चा करना अनुकूल प्रसंगों में बहुत सरल है भैया, लेकिन जीवात्मा जब ये परिणाम उथल पुथल होते हैं, जब निमित्त विपरीत मिलते हैं, जब मोह और राग की धारा अनाधुंध होती है, तब 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 इन निमित्तों में अपन क्यों खो जाते हैं भगवान जी, यहाँ क्या हो जाता है। तो यहाँ दो कारण कहते हैं, उन निमित्तों में मोहिनी कर्म का प्रबल वेग बना हुआ अपना, तो मोहिनी कर्म का प्रबल वेग बना होने के कारण से, सावधान जीवात्मा, मोहिनी कर्म का प्रबल वेग बना होने के कारण से उन प्रसंगों से उन निमित्तों से मोहिनी कर्म का प्रबल वेग बना ना, तो उन निमित्तों के प्रति कुछ भी होता है, चिंता होती है, तो अपन आत्मा को तत्क्षण भूल जाते हैं, तत्क्षण आत्मा को भूल जाते हैं। और क्यों भैया, और मोहिनी कर्म का प्रबल वेग है एक तो ये कारण, और दूसरा कारण क्या है भैया, उन निमित्तों के प्रति अपन मूर्छित हैं, मूर्छित हैं, और अपन अंतर सजग नहीं है, अपनी अपनी प्रसाद की कमी है, एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण ये है कि कर्म का वेग ही इतना तीव्र है। लेकिन अपन कर्म के वेग की तीव्रता को छोड़ के अपन अपनी गलती को खोजे कि अपन ने उन निमित्तों को, उन प्रसंगों को अपने चिंतन का विषय ही नहीं बनाया, अपन उनसे कभी अलग होने का प्रयास ही नहीं करते, उनको आधार बनाओ, मूल उन्हीं को आधार बनाओ जहां आपकी मोहिनी कर्म की धारा तीव्र है। देखो भैया, आप यदि धर्मात्मा जीवों से जुड़े हैं, धर्म की बातों से जुड़े हैं, तो यहां भी राग है आपका, क्योंकि इस समय वीतरागता नहीं है, साधु दशा नहीं है, तो राग तो रहेगा ही, तो यहाँ राग रहेगा आपका, तो ये राग आपको प्रशस्त राग कहलाएगा, और ये राग तो आपको समय चिंतन में ही आधार बनना, महाराज जी को सुनोगे तो समय चिंतन ही होगा आप तो। लेकिन भगवान जी जो संयोग है, जिनसे अपने को राग देश है, इनके साथ जुड़ोगे तो आत्मा को भूलना है जीवात्मा,
और आत्मविस्मरण हुआ। तारण स्वामी ने कहा था कि नहीं कहा था शुरू में, अर्घ भूले नर्क सीढ़ी पड़े। यहाँ आप आत्म स्वभाव को भूले, यहाँ आप अपनी चेतन सत्ता को भूले और अर्क भूले नर्क सीढ़ी पड़े। आपको नर्कों की वेदना, अनंत कष्ट प्रारंभ हो जाएगा। इतनी वेदना होगी, इतनी वेदना होगी कसाई की, इतनी वेदना होगी जिस वेदना का कोई और छोड़ नहीं है। अर्क भूले नर्क सीढ़ी पड़े, अर्क अर्क में अपनी वितराग शक्ति को भूले और नर्क की वेदना में झुलस हो गए जीवा। कभी तारण स्वामी की ये सूत्र अपने को अंतर आत्म चिंतन का विषय बनते हैं कि नहीं? भगवान जी क्षण भर के लिए आत्मा को नहीं भूला जा सकता, अर्थात क्षण भर के लिए तत्व का विस्मरण नहीं किया जा सकता, क्षण भर के लिए वस्तु स्वरूप को नहीं भूला जा सकता। क्यों? क्योंकि जहां विस्मरण होगा वहां आकुलता प्रारंभ हो जाएगी। जम जम वियोग किम सही हो, जम जम वियोग दूल ही हो। जब तक जग जहां जहां तुम आत्मा का वियोग करते हो, जहां जहां आत्मा का वियोग सहन करते हो, वहां वहां आत्मा दुखों का वेदन करते हुए, वहां वहां आकुलता का वेदन करते हो। चिंता होगी तो फिर चिंतन की ओर कैसे मोड़ेंगे उस समय अपने स्वभाव को? पहले ही पहले ही पहले ही जिस जिसके प्रति मूर्छा में मर रहे हो, दिख रही है जिसके प्रति मोह की धारा है, उसको निरंतर आत्मचिंतन का विषय बनाओ। पहले से उसके प्रति सावधान रहो, पहले से उसके प्रति सतर्क रहो। तब जब कर्म का तीव्र मोहिनी कर्म को आएगा, तब वो आपके काम आएगा भगवान। जब पहले से सतर्क हो, पहले से सावधान, पहले से ही आप अपने राग देश के परिणाम के प्रति कितने सतर्क हो, पहले से ही आप कितने सावधान रहते हो, आपको अपनी चेतना का भान कितना है, पहले से ही अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं भैया मोहिनी कर्म का उदय आएगा तब देखेंगे। अरे तुम्हें पता है कि तीव्र मोह है, तो पहले ही उस वस्तु को, उस घटना को अपने सम्यक चिंतन का आधार बनाओ ना। जो पल पल घटनाएं घट रही हैं, जो पल पल परिणाम आ रहे हैं, जो पल पल परिणति हो रही है, उस परिणति को पकड़ के आत्मचिंतन की आधारशिला रखो ना, तत्व चिंतन की आधारशिला रखो ना, कर्म सिद्धांत का निरूपण रखो ना अंतर में। कर्म इस कर्म का, इस भाव का क्या फल है, इस परिणति से कहां जाऊंगा मैं, इस परिणाम इस परिणति का फल क्या होगा, और इस परिणाम इस परिणति से मेरी आत्मा क्या होने वाला। इस बात का विचार करके पहले ही सावधान रहो ना कि उस दशा तक जा ही नहीं पाओ। और यदि मोहिनी करके वेग में चले भी जाओ, तो भगवान जी ये तत्व का जो चिंतन है, जो अंतर आत्मा की जागृति है, ये तुम्हें बचा लेगी। आत्म तत्व का बोध है, ये तुम्हारी सुरक्षा कर लेगा। वस्तु स्वभाव का जो निर्णय है, ये तुम्हें अनंत संसार में अनंत नंदी कसाय के आगोश में डूबने नहीं देगा। नहीं तो भगवान आत्मा, नहीं तो मोह के दलदल में ऐसे डूब जाओगे कि फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि भैया ये निमित्त, ये संयोगी निमित्त, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन जिन निमित्तों के प्रति अपने पूर्व के जैसे संबंध रहते हैं, या वर्तमान में अपनी राग देश मोह की तीव्र प्रवृत्ति होने के कारण, या पूर्व के संबंध है, या वर्तमान में अपनी राग मोह की प्रवृत्ति तीव्र होने के कारण वर्तमान में अपन उसे राग मोह करके बैठ गए, दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो पूर्व का निमित्त संबंध है, तो द्वेष रूप परिणमन चलता है जब भी, तो चिंता हो जाती है ना। राग हो चाहे द्वेष हो, एक ही बात है। तो क्या कह रहे हैं, या तो पूर्व भाव के है राग मोह के संबंध आपके, या वर्तमान में आपके मोहिनी कर्म के संस्कार तीव्र होने से, राग आदि के संस्कार तीव्र होने से वर्तमान में आप राग देश करके बैठ गए हो, मोह करके बैठ गए हो। तो ये जो संस्कार है जीव के, वो अपनी अपनी परिणति के अनुसार है। पूर्व निमित्त निमित्त संबंध कह लो, या वर्तमान में राग मोह देश की आसक्ति तीव्र कह लो, कुछ भी हो सकता है। पूर्व का तो पता नहीं, वर्तमान का राग मोह दिखाई देता है। भैया जी, कर्म सिद्धांत के ऊपर भी तो रहता है। कर्म सिद्धांत अगर हमको मालूम है कि जो किया है वो तो भोगना ही है, कोई भी करे, ये तो सब मेरा ही कृत कर्म है, तो इसमें भी तो समता भाव आ जाता है। यदि आ जाए तो अच्छी बात है। यदि जीव को हर परिणाम में, अपने हर परिणाम में यदि कर्म सिद्धांत का विचार है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि है हर समय जागृति चाहिए। आप तो ये देखो कि आपको कर्म सिद्धांत का विचार कब कब है, आप जागृत के कब कब हो। हम तो आपके मूर्छा के काल को पूछ रहे हैं, मूर्छा। आप ऐसा नहीं कहना भैया कि हमें एक समय के लिए मूर्छा नहीं आती। यदि ऐसा होता तो फिर तो भैया साधु दशा होती।
हम तो कह रहे हैं जब मूर्छा अधिक बढ़ती है तब की बात चल रही, किन निमित्त किन संयोगों में किन परिणामों में और किन शुभ अशुभ राग में किस लौकिक व्यवहार में या फिर जो लोकाचार है लोक लाज है आप किस परिणाम में किस परिणति में या आप किस अज्ञान भाव में मूर्छित ज्यादा होते हो, समाज के संप्रदाय के किस भाव में आप ज्यादा परेशान ज्यादा मूर्छित होते हो, आपको उस मूर्छा को पकड़ना है होगा और उस मूर्छा को पकड़ के उसको ही हटाने का प्रयास करने की बात चल रही है। जहां आप कमजोर हो यहाँ आप जहाँ शक्तिशाली हो, जहाँ तत्व चर्चा सुन रहे हो, जहाँ स्वाध्याय कर रहे हो, जहाँ आत्मचिंतन कर रहे हो, जिन निमित्तों से आपका सब सहज व्यवहार चल रहा है, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, वहां तो आपको बढ़िया है आनंद। लेकिन जहां आप पकड़ करके बैठे हो, जहां आपकी मूर्छा अधिक है, जहां आपका आपकी फिसलन ज्यादा है, ऐसा कहें जहां ज्ञान की फिसलन ज्यादा है, क्योंकि आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि ये जो परपर्याय है ना, ये परपर्याय प्रणमन, इस परपर्याय प्रणमन फिसलन है और इन परपर्याय को देख के जीव की दृष्टि फिसल जाती है। के कौन से जीव की दृष्टि फिसल जाती है भैया, ये रंग बिरंगी जो पर्याय है, ये रूप रंग आदि जो निमित्त है अपने को संयोग में, इन रूप रंग उद्गत वर्णाओं में या ऐसा कहो माता में पिता में पुत्र में परिवार में स्त्री में मकान में दुकान में धन में दौलत में, ये नाना प्रकार की चिकनी चिकनी पर्याय अपने ज्ञान की फिसलन का कारण बनती है। तो अब ये देखो आप कि कौन सी पर्याय में कौन से परिणाम में आपका ज्ञान ज्यादा स्लिप मार रहा है, अर्थात कौन सी पर्याय धारा में कौन सी परिणाम धारा में आपका ज्ञान पूर्ण मूर्छा को प्राप्त कर रहा है, और जिस धारा में जिस पर्याय में जिस परिणति में ज्यादा मूर्छा को प्राप्त कर रहा है वहीं से आत्मचिंतन प्रारंभ करो जीवन, उसी वस्तु को उसी घटना को सामने रख के नित्य प्रति अपने आत्मचिंतन का धारा को बनाओ। क्या होगा इससे, वो जो उसके प्रति जो धारा बन रही ना, उस निमित्त के प्रति जो अपनी परिणति बन रही ना, उसको लेके सम्यक चिंतन करोगे तो आपकी कसाय में नियम से मंदता आएगी। तो सम्यक चिंतन करने से तो मंदता आती है, लेकिन वो अनंत जो अनुबंध बन रहा है ना वो टूट जाएगा। देखो भैया, राग होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मानव है, मनुष्य है और आवृत्ति की भूमिका में है, तो राग तो मानवीय स्वभाव है वर्तमान में इस अपने गुण स्थान अनुसार। वैसे साधु हो जाओगे तो फिर स्वभाव नहीं है, लेकिन चौथे गुण स्थान में घर गृहस्थी परिवार के बीच में रह रहे हो तो अज्ञान, जब जितना जितना अज्ञान है, जितना जितना जीव को अज्ञान है या जितना जितना उसका परिणमन है, कर्मों का उदय है, उस अनुसार तो भाव कर्म की रील और द्रव कर्म की रील और नो कर्म का संयोग तीनों परिणमन करेंगे भैया। क्यों क्यों करेंगे भैया, क्योंकि कर्म दशा है तभी तो संसार में रह रहा, यदि कर्म दशा नहीं होती तो ये स्त्री पुरुष पर्याय प्राप्त क्यों करता। कर्म दशा है तो कर्म दशा में जीव को वैसे निमित्त तो संयोग तो मिलेंगे, वैसे कर्मों की रील तो चलेगी। तो देखो देखो ये बात देखो, अपन उदाहरण पढ़ते हैं ना, एक मुनिराज के लगे बोला महीनों से सब तपस्या कर रहे थे, साधु हो गए थे, साधु होके जंगलों में तपस्या कर रहे थे, 10-20-25 साल की तपस्या में अंतर से एक वैरागी जैसे हो गए थे, लेकिन एक बकरी का बच्चा मेमना आया, बकरी ने मेमने को जन्म दिया, मेमने का जन्म हुआ, बकरी मर गई और उस मेमने को खा को कोई खा ना जाए, उस मेमने को कोई वो क्या करे कि ना कोई खा ना जाए, उसकी कोई सुरक्षा ना हो जाए, तो उनको उस मेमने से बकरी के मेमने का बच्चे से उससे राग हो गया, इतना राग हो गया वैराग मेराग की सारी धाराएं तो एक तरफ गई, आत्मचिंतन वगैरह साधु सामायिक एक तरफ गई, वो अपना पूरा समय शक्ति उपयोग पूरी की पूरी ऊर्जा को उसकी सेवा में उसकी सुरक्षा में वो पूरा समय उसमें लगाने लगे। अब बताओ आप एक बार बताओ, कहां उत्कृष्ट वैराग्य की साधना, घर पुत्र परिवार सब छोड़ के आ गए, और कहां बकरी ने बकरी बच्चे को जन्म देके मृत्यु को प्राप्त हो गई, और कहां उस मेमने से इतना राग पूरी साधना जर्जर हो गई, कहां गया वो सब कुछ, सब भूल गए, समय भूल गए, ध्यान भूल गए, अपना पद भूल गए, सब भूल गए, तो दिन रात उसकी सेवा में लग गए। क्या है अब कोई कहेगा भैया पूर्व जनित कर्म का उदय, बिल्कुल यथार्थ नक्की, इस बात में कोई शक नहीं है,
कि ये पूर्व पूर्व कृत परिणामन की धारा है राग का उदय। लेकिन भगवान जी इस राग की धारा में बाद में उन्होंने सावधान हो गए, बाद में निमित्त आने से पलट गए, वापस अपने मार्ग में लग गए, वो बात अलग है। लेकिन उस राग की धारा ने कहां लेके चली गई, कहां बहा के ले गई, क्या निदान मान लिया, कैसी परिणति बन गई, कैसा उपयोग पलट गया। आप देखोगे कि देखते ही देखते पूरा परिणाम बदल गया, देखते देखते परिणाम बदल गए, देखते ही देखते अंतर की धारा बदल गई, देखते ही देखते सारा कुछ बदल गया। तो जो मोहिनी राग का संस्कार पड़ा था वो प्रबल निमित्त से उदय में आया और जीव बहता हुआ दिखाई दिया। भैया ये भाव हो सकता है, सबके जीवन में होता है, ये तो एक उदाहरण था। सबके जीवन में ये भाव उन्हें तो हुआ, एक एक चीज से हुआ। यहाँ तो अपने को पक पक पे है, यहाँ तो राग राग देश की धारा अपने को तो पक पक पे है, पक पक पे अपन इन राग देश की धाराओं में बह रहा है, राग देश की इन भावनाओं में बह रहा है, पक पक पे ये विकार अपने परिणाम बिगाड़ा है। जीवात्मा जब पक पक पे अपने को ये राग देश मोह की धाराएं चल रही हैं, तो इन धारणाओं के बीच में, इन धाराओं के बीच में आप और हम सजग कितने हैं, सावधान कितने, हमारे अंतर की परिणति कितनी, अंतर चेतन आत्मबोध में है हमें कितना, अपने तत्व का सहकार है हमें कितना, वस्तु स्वभाव का निर्णय हमें कितनी, अंतर आत्म स्वभाव की महिमा का बोध है भाई, कैसा कैसा आनंद है अपने अंतर। ये पकड़ना है अपने को, देखना है, क्योंकि भैया देखो धाराएं कब बदल जाएंगी इनका कोई भरोसा नहीं, परिणाम कब बदल जाएगा, पर्याय कब बदल जाएगी इनका कोई भरोसा नहीं है, आपके जीवन में कब कौन सा निमित्त क्या चमत्कार करेगा इसका कोई भी भरोसा नहीं है, कि कौन सा निमित्त आके आपके पूरे उपयोग को पलट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जीवात्मा आपके अंदर में सावधानी कितनी है, सचेतनता कितनी है, आत्मबोध कितना है, जागरण कितना है, आप तो ये बताओ कब निमित्त, कौन सी घटना, कौन सा परिणाम, कब क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आगे का परिणाम में क्या होने वाला है इसकी गारंटी ना मैं दे सकता ना आप दे सकते। आगे मैं वैरागी हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा तो नहीं पता, और आगे मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा या फिर असंयमी हो जाऊंगा या फिर इस मार्ग से को छोड़ के चला जाऊंगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अब तो ज्ञानी मेरी रास्ता है नहीं, पूछ लो भैया कि कल क्या होने वाला है, तो आगे क्या आगे परिणामों की स्थिति क्या बनने वाली है, परिणाम की स्थिति क्या बनने वाली है, संयोग की स्थिति क्या बनने वाली है, इसको कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं पहचानता। लेकिन जीवात्मा ये बात तो बताओ कि वर्तमान में तुम कितने सजग हो हर एक परिणाम को लेके, अपने निमित्तों को लेके, अपने संयोगों को लेके, आप वर्तमान में अपनी कर्म धारा को लेके कितने सावधान, इन कर्मों के वेग को लेके आप कितने सावधान, कितनी कितनी ज्ञान में प्रवृत्ति बन रही है अपनी, कितनी अंतरात्म शक्ति का बोध बन रहा है। परिणमन किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए तो कहते हैं परिणमन का विश्वास मत करो, भैया आज तो हम अच्छा चिंतन कर रहा है, आज तो हम अच्छा मनन कर रहा है, आज तो भैया हमारा पूरा उपयोग स्वाध्याय में जा रहा है, आज तो हम पूरी सामायिक में लगे रहते हैं, पूरे दिन प्रवचन सुनते रहते हैं, ये अहंकार मत करो। क्या मानो आपके लिए कोमे की स्थिति आ जाए और कोमे की स्थिति आ जाए, या क्या मानो पैरालिसिस अटैक आ जाए और आप ये सब करना बंद कर दो, और आपकी आपसे कोई आत्मा की बात सुनाए तो आपको है मुंह बंद कर, है मुंह बंद कर, आत्मा की बात तो मुझे बहुत बुरी लग रही है। ऐसे ऐसे प्रसंग आप आगम में पढ़ो कि दिन रात चर्चा में लगे रहते थे, दिन रात आत्मचिंतन करते रहते थे, लेकिन परिणति ऐसी बनी, परिणति ऐसी बनी। अब पचमानी को खोल के देखो कि दिन रात स्वाध्याय करने वाले जीवों को परिणति ऐसी बनी कि अंत में उनसे कहा आत्मा तो निकले, मुंह बंद कर, आत्मा का नाम मत लेना, क्या अच्छी नहीं लगती, क्या हुआ पूर्व का वाला कर्म आ गया भैया, सामने आके खड़ा हो गया, ऐसा कर्म आके खड़ा हो गया कि अब आत्मा की बात कोई कहे तो भी आकुलता होती हुई, ऐसे ऐसे कर्म को दे आते हैं। बस आपके जीवन में हो या हमारे जीवन में हो या किसी के भी जीवन में, कहीं भी किसी के जीवन में भी कोई सभी कर्म कभी भी उदय में आ सकता, इसकी कोई भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो हाँ मैं तो इन सबसे भिन्न हूं, जीवात्मा अभी कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तब जीव इन सब बातों को विस्मरण करता, क्योंकि वो भाव उदय रूप परिणति वो तभी उदय में आएगी ना जब तुम ये सब भूल जाओ, वो आता ही ये सब भुलाने के लिए। जीवात्मा कल क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं,
क्या क्या कहना चाहते हो आप? वर्तमान में आप कितने सजग हो, सावधान चेतना, वर्तमान में कितना आनंद है आपके पास, वर्तमान निमित्तों में कितनी सम्यक बुद्धि है आपके पास, वर्तमान समय में कितना सम्यक पुरुषार्थ है आपके पास, वर्तमान में आप कितने अपने में सचेत सावधान होके कितनी अंतर आत्मा के चिंतन में आपका समय व्यतीत हो रहा है, कितना वस्तु स्वभाव आपके अनुभव से सिद्ध हो रहा है भगवान, कितनी आत्मा की अनुभूति का मार्ग बन गया आपका, ये बताओ वर्तमान में आप कैसे जी रहे हो? इस शरीर आदि संयोग से भिन्न अपने अनंत चतुष्टय में आत्म तत्व के बोध सहित अपने अपने आप को इस संयोगी भाव से भिन्न ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा जान के कितने अंतर आनंद के साथ जी रहे हो भैया? कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है, लगे काय का आनंद, लगे अरे भगवान जी नहीं ना आनंद, नहीं ना मस्ती, नहीं ना प्रसन्नता, भाई आकुलता में निमित्तों को पकड़ के, पर्याय प्रणमन को पकड़ के, पर्याय की धारा को पकड़ के हाय हाय करने में लगा हुआ उपयोग, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय आकुलता, हाय बच्चे, हाय परिवार, भगवान जी कुंठित होके बैठे हुए हो, और देखो तो ये चिकनी चिकनी पर्याय, ये बड़े अच्छे अच्छे निमित्त, ये गोरे गोरे रूप रंग, ये सुंदर सुंदर रूप रंग, ये धन दौलत, धन कंचन कामनी कीर्ति, ये अच्छे अच्छे दिखने वाले बाहर के संयोग, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, ये अच्छे अच्छे रूप रंग तुम्हारे ज्ञान की फिसलन में कारण बन रहा है जीवन, और इनके प्रति मोह, इनके प्रति राग, इनके प्रति कर्तव्य बुद्धि, इनके प्रति ममत्व बुद्धि, ये जो नाना प्रकार के अज्ञान परिणाम है, ये तुम्हारे ज्ञान की फिसलन का कारण है, और जब तक तुम्हारा ज्ञान इन पर्याय में स्लिप मारेगा, स्लिप मारेगा मतलब आत्म स्वभाव में दृढ़ ना होके, वस्तु स्वभाव के निर्णय में दृढ़ ना होके, जब तक तुम्हारा ज्ञान इन चिकनी चिकनी पर्याय में, चिकने चिकने रूप रंग में जब तक स्लिप मारेगा, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक 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 तत्व पे अड़िग रहो, एक से जुड़ो, एक की श्रद्धा करो, एक को स्वीकार करो, भटकने वालों का काम खत्म। क्यों? क्योंकि अंतर चित्त का मार्ग, स्वभाव का मार्ग एक है, शुद्ध चेतनता, और ये राग बुद्धि जो भी कहलाती है ना, ये राग बुद्धि नीच है, नीच है मतलब राग बुद्धि क्या करती है, पूरे पूरे के पूरे, राग बुद्धि का काम क्या है, राग बुद्धि अपने पूरे के पूरे चिंतन को पर के लिए उपयोग करती है, आत्मित के लिए उपयोग नहीं करती। जैसे 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 कि जैसे देखो कैसे, जैसे कि कोई कुछ गलत कर रहा है, हम क्या चिंतन करेंगे, देखो ये कितना गलत कर रहा है, ये दुर्गति में जाएगा, इसकी क्या दशा होगी, इसे ऐसा करना चाहिए था, इसे अपने कल्याण का सोचना चाहिए। अरे दूसरे के लिए तो तुम चिंतन कर ले हो, लेकिन भगवान आत्मा तुम्हारी क्या दशा हो रही है, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारी परिणति कैसी चल रही है, तुम्हें अपने लिए तो कुछ अकेले पता नहीं है, दुनिया का निर्णय करने में निकल गया भाई, अपना निर्णय कब हो रहा है, देखो ये आज संजीव जी ने पीडीएफ नहीं खोली, आज चर्चा कहां से कहां चली गई। तो क्या करना है, अपने को अपने उपयोग की, अपने अंतर की बात को पकड़ना है। भगवान कैसे पकड़ेंगे भाई, कैसे पकड़ेंगे, अरे जीवात्मा स्वभाव का सत्कार करना पड़ेगा भगवान जी, अंतर में सावधानी बढ़ानी पड़ेगी, सचेतन अवस्था में रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा हमेशा, सोगे तो मर जाओगे, आत्म जागरण करोगे, अंतर आत्मा के प्रति सजग रहोगे, अपने निज अंतर आत्मा के कल्याण की भावना रहेगी, तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे भैया। और सुनो, आज जो बोगे उसी का फल कल आएगा। सुनो भगवान जी, कल क्या कर्मधारा आनी है, और कर्मधारा में कितना समय व्यतीत होना इसका पता नहीं है, लेकिन आज जो तुम बीजारोपण करोगे उसका फल आने वाले कल में, कर्मधारा बीतने के बाद या कर्मधारा के काल में भी कब उदय में आ जाएगा इसका पता नहीं है, जो आप बीजारोपण करोगे वर्तमान में, सावधान, आज जो आप बीजारोपण करोगे उसका उदय आएगा ही आएगा, कब आएगा ये मत पूछो आप, आएगा जरूर बस। इसलिए जीवात्मा आज बबूल के कांटे राग द्वेष की परिणति ना बोके, अज्ञान मानताओं को ना बोके, आज अचेतन जड़ भाव पर पर्याय की शल्य चिंताओं को ना बोके, आज यदि वस्तु स्वभाव का निश्चय के साथ साथ कर्म सिद्धांतों की बागड़ लगा के यदि अपन तत्व चिंतन को, यदि मैं आत्मा ही हूं इस
परम सत्य को यदि आज अपने श्रद्धा से अंकुरित कर दें, बीजारोपण कर दें, भगवान की आज्ञा को अपने हृदय में बीजारोपित कर दें, तो जीवात्मा ये बीजारोपण अंतर में होने वाला सम्यक पुरुषार्थ का बीजारोपण सम्यक दर्शन की पर्याय लेके आएगा ही आएगा। अब कब आएगा ये मत पूछना, कब आएगा ये मत पूछना। क्यों? क्योंकि कर्म धाराओं का तुम्हारा जैसा पहले का हिसाब किताब है, पूर्व कृत बंधी हुई जो धारा है उनका हिसाब किताब पूरा होगा तभी आए। लेकिन आज जो बीजारोपण करोगे वो फलीभूत जरूर होगा, ये गारंटी है। बंजर भूमि नहीं होनी चाहिए भैया। और पसर चौबीस थाना जी ग्रंथ लिखो, वो सॉरी चौबीस थाना जी नहीं, मामल पावर जी ग्रंथ में शायद 34-33 नंबर की फूलना है, 34 नंबर की है, जहां तारण स्वामी ने सिद्धांत दिया उसर, उसर क्या है पूरी याद नहीं आ रही, तो मतलब उसका अर्थ ये है, गाथा का शब्द याद नहीं आ रहा है, उसका अर्थ ये है यदि बंजर भूमि में बीजारोपण करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भगवान जी। बंजर भूमि मतलब यदि कठोर भावना से आत्मा आत्मा कहोगे, आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, मायाचार्य से वस्तु स्वरूप की बात करोगे, अपना स्वा का लक्ष्य बनाए बिना, खुद की रुचि के बिना यदि आत्मा आत्मा कहोगे, बंजर भूमि में बीज डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ यदि ये भूमि उपजाऊ है, भगवान के वचन भगवान की आज्ञा स्वीकार होती है, आत्म कल्याण की भावना है, निश्चय से शुद्ध तत्व का सहकार है, निश्चय से आत्म अनुभूति का मार्ग यदि अपने सामने है, यदि भगवान आत्मा कोमल भूमि में उपजाऊ भूमि में मृदु भूमि में यदि बीजारोपण करोगे, बीजे रमन की रैन पौ बीजो रोदे, बिल्कुल सही भैया, आत्मरमण की वेला है, बीजो रोदे बीजारोपण करो, आत्म पुरुषार्थ का मार्ग बनाओ भैया, बीजारोदे बीजारोपण करो, बार बार प्रसाद करो, और आज का बीजारोपण तारण तरण विमान को प्रकट कर देगा, और तारण तरण अपना विमान ये मुक्ति की ओर जाएगा, तरण विमान सु मुक्ति पाओ, तरण विमान प्रकट करोगे तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। देखो भैया कल्याण तो करना ही पड़ेगा, और यदि वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है चेतन, हे जीवात्मा एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय, सिर्फ एक उपाय, सिर्फ एक उपाय, और वो एक उपाय है अपने शुद्ध आत्म तत्व का अंतर हृदय से सहकार, बस एक उपाय है, इसके अलावा दूसरा उपाय ध्यान रखना चेतन आत्मा, चिंतन से अपने आत्म स्वभाव में सजग होके, आत्म चिंतन से अपने चैतन्य महाप्रभु शुद्धात्म देव की भैया अनुभूति रूप आज्ञा, भगवान की आज्ञा को अनुभव प्रमाण सिद्ध करके अपने अंदर बीजारोपण करो रे, श्रद्धा का बीजारोपण, ज्ञान का बीजारोपण, ज्ञान उपयोग से आत्म निर्णय कर रहे हो जो, तत्व का बीजारोपण करो रे, ज्ञान ज्ञान अंकुरण करो, ज्ञान का बीजारोपण करो। देखो बार बार सावधान कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या करण धारा चलने वाली है, मेरी आपकी आपको नहीं पता, थोड़े समय बाद कौन से कर्म का उदय आने वाला है इसमें मैं भी अनजान हूं और आप भी अनजान हो, लेकिन भाई भगवान जी कल मुझे कौन से कर्मों का उदय चाहिए, कल मुझे कौन से कर्मों को बांधना है, इसके लिए मैं भी स्वतंत्र हूं और आप भी स्वतंत्र, वर्तमान पर्याय में वर्तमान निमित्तों से वर्तमान परिवेश में मुझे कैसे कर्मों का बंद करना है इसके लिए मैं और आप स्वतंत्र हैं, उसको अपन अपने अनुसार कर सकते हैं कि मुझे कौन से कर्मों का बंद करना है या नहीं करना, वो मेरे हाथ में, लेकिन कल कौन से कर्म का उदय आना ये मेरे हाथ में नहीं। इसलिए भगवान आत्मा वर्तमान की सावधानी अत्यंत अनिवार्य है, समझ में आई कि ऊपर से गई, बहुत सारे लोग चले गए, कहलेगा भैया क्या करें भगवान जी समय बहुत कम है, सबकी जिंदगी व्यस्त है भैया, सही पंचम कर्म बांधने में जीव स्वतंत्र है और भोगने में परतंत्र, बिल्कुल आप आज स्वतंत्र हो कि अब क्या बांधना चाहते हो, अपनी गठरी में क्या रखना चाहते हो, लेकिन जब उदय में आएगा तो कुछ नहीं कर पाओ, इसलिए चेतन आत्मा अभी सजगता की जरूरत है, अभी सावधानी की जरूरत है, अभी होश में रहने की जरूरत है,
और वर्तमान में यदि आपको होश आ जाएगा, वर्तमान में यदि आपकी जागृति हो जाएगी, वर्तमान में यदि आपको निश्चय पक्का हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ठोस, बिल्कुल 100%, तो भगवान आत्मा ये अपना जो निर्णय है, जो अपना बीजारोपण है, ज्ञान की जो अंकुरण की शक्ति है, या ऐसा कहो जो अपने समझ में आता, जो तत्व का श्रद्धान है, श्रद्धान तो सबको समझ में आता, जो अपने को वस्तु स्वभाव का श्रद्धान है, यदि आज ये अपने को अंतर में बैठ गया, अपने अंतर अंकुरित हो गया, सम्यक मानता हो गई, भगवान आत्मा इस जगत में सम्यक दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चायत की पर्याय आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको कब आएंगी इसका कोई टाइम नहीं है भाई, तो पर्याय कब आएंगी, क्योंकि पर्याय का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर, स्वभाव के आश्रय से ये सब रत्नत्रय की निधि उपलब्ध जरूर होगी। लेकिन हम वर्तमान में अपना उपयोग, अपना बीजारोपण सम्यक करें तो देखो ये बात कहां से कहां पहुंच गई है, तत्व चर्चा कहां से कहां चली गई है। आज गाथा का वांछन नहीं हो पाया, आज अपने को करना था गाथा नंबर 6 का वांछन, 7 का, और तान समय यही कहने वाले थे। देखो गाथा भी क्या आने वाली थी, जिन तत्व वीतराग तत्व, वीतराग द्रव, वीतराग पदार्थ, जिन दिष्टम द्रव दृष्टि इष्टम चा, अरे इन सब में जनेन्द्र रोपण ने द्रव दृष्टि को इष्ट कहा। जिन काय क्रांति, पंचस्थी काय में भी क्रांति, जिन उपनव अपने वीतराग स्वभाव को आचरण में प्रकट करना, ये मेन है। जिन अनमोय ज्ञान निर्माणम, अरे से वीतराग स्वभाव की अनुबंध करोगे, ज्ञान विज्ञान का आश्रय लोगे, तो निर्माणम कारण समीकरण निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। तो गाथा भी आज ऐसे ही थी अपनी, इसका वांछन कल करेंगे 7 नंबर की कारिका का। लेकिन सिद्धांत तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, जीवात्मा सावधान। जिनेन्द्र भगवान तो यही कह रहा है भैया, 27 तत्वों में छान लो आप, द्रव दृष्टि से अपने ज्ञायक स्वभाव की आचरण की क्रांति को प्रकट करने के अलावा और कोई भी सार नहीं है, सार नहीं, सार नहीं, बाकी सब असार। अब भैया आप और हम अपना अपना निर्णय करें, गुरुदेव की इस वाणी को आत्म अनुभव से सिद्ध करें और ज्यादा देर ना लगाएं, क्योंकि संसार बहुत क्षणभंगुर है, नाशवान है, कर्मों के उदय जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। कब कौन सा कर्म का उदय आएगा इसका अपने को पता नहीं है, तो अपन कर्मों के उदय आ जाए और अपनी दुर्दशा हो जाए इसके पहले अपन अपना कल्याण का मार्ग बनाए। सल्ला दीदी अनम्यूट करो, इतने सारे लोग हैं उनका रेशन दिख रहा, तो अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए और गुरुदेव की समृद्ध वाणी को सुन के अपना। हाँ बोलिए दीदी, सल्ला सरोज भाई साहब, एक चीज मैं कहना चाहती जो बोला ना कि कर्म बांधने में भी स्वतंत्र हूँ, वो भोगने में भी मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी स्वतंत्रता का उद्घोष है, मैं चाहूँ तो उस तरफ जाऊं और ना जाऊं, मैं अपने में रहूं ना, क्यों जाती हूँ मैं उस तरफ, ये मेरी गलती है, किसी दूसरे कर्मों की गलती नहीं है, कर्म तो जड़ है और मैं चेतन मात्र हूँ, मेरी इच्छा है मैं कहाँ रहना चाहती हूँ। इतना अपने में प्रयोगशाला में प्रयोग करके, इतना जिनवाणी सुनने के बाद, इतनी ऊपर आने के बाद भी हम ऐसी बात क्यों कर, हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों जाएंगे वहां पे। अरे भगवान आत्मा, आप हमेशा निश्चय प्रधान कथन को ही मुख करते हो, व्यवहार प्रधान कथन को आपका ज्ञान समन्वय नहीं बनाता, ये आपकी। भाई साहब जो भी बोलती हूँ अपने अंदर की बात बोलती हूँ, बाहर हाँ, से मेरे को कोई मत, वही हम कह रहे हैं, आप को जो चिंतन होता है, आपके अंदर में जो स्वभाव का वेग चलता है, निश्चय प्रधान द्रव्यानुयोग की रुचि वाला कथन, वो आपको हमेशा मुख होता है, और कर्णानी योग वाला कथन होता है, कर्म सिद्धांत वाला, वो कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि आपको द्रव, जिनको जिन जीवों को द्रव्यानी योग का विशेष रुझान होता है, उन्हें कर्णानी योग की बात उनके अंतर से कुछ काटते नहीं है, लेकिन उनको काटते नहीं है, लेकिन उनसे कट जाती है, काटते नहीं है, काटने का अभिप्राय नहीं होता, लेकिन वो कुछ स्वभाव स्थिति बता रही कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वभाव उसी पे रहना, इसी से तो सब कुछ हम आप ही की बात बता रहे हैं, स्वभाव की महिमा के आगे, स्वभाव का बहुमान के आगे वो क्या बोलते हैं, अन्य अनियोग की बातें गौड़ हो जाती है। और जो अभी हम वर्तमान में चर्चा कर रहे थे, हम कर्म सिद्धांत की बात क्या कह रहे थे कि हमने उदाहरण भी दिया कि मुनियों के साथ, भावलिंग मुनियों के साथ भी ऐसी घटना घटी है, जब कर्मों का वेग आया है
तो वो अपने क्षेत्र से विमुख होगा। तो ये सब जो सिद्धांतिक बातें हैं ये अपने को अनुत्साहित करने के लिए नहीं है, ये अपना उत्साह बढ़ाने के लिए है। यहाँ जब व्यवहार से कथन किया गया कि जीव कर्म बांधने में स्वतंत्र है, कर्म फल भोगने में परतंत्र है, तो ये कथन बिल्कुल बाहर से व्यवहार का है। ज्ञानी तो बांधने में भी स्वतंत्र है और भोगने में भी स्वतंत्र है, क्योंकि ज्ञानी तो भोगता ही नहीं है, ज्ञानी कर्म कहाँ भोगता। ये सारे कथन व्यवहार के हैं, और ये तब के कथन है जब जीव अपने आत्मा से चुप्त है, मतलब जब उसका तीव्र कर्म उदय आने से, यदि मोहिनी कर्म का तीव्र उदय यदि आज मेरी सत्ता में भी आ जाए तो मैं आत्मा की इतनी मीठी मीठी बात कर रहा हूँ ना, आप मुझे आत्मा कहोगे तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ये सब कर्म सिद्धांत है भैया, कब कहाँ कौन सा कर्म किसके उदय में कैसे आएगा, ये तो पर्यायों की स्वतंत्रता का ज्ञान है कि कल हमारी हमें ये आत्मा की बात रुचेगी कि नहीं रुचेगी, इसका पता हमें ही नहीं है। ऐसा जान के आज सावधान और सतर्क होके आज जी भोगने वाली बात इस अपेक्षा से थी कि हम कर्म बांधें या ना बांधें ये तो हम निर्णय कर सकते हैं, पर जो कर्म उदय में आ रहा है तो वो तो फल दे के ही जाएगा, उसको तो भोगना पड़ेगा, उसको अपन टाल फिर बदल नहीं सकते उसके भोगने में। उदय में आएगा, भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत नहीं है। हाँ, इस अपेक्षा से कि उसमें अपन परतंत्र है कि वो तो आएगा उदय में। हमने कहा ना आपकी जो बात थी वो अज्ञान दशा की अपेक्षा है, मोहिनी कर्म के भेद की अपेक्षा है। जी, फिर ज्ञानी की अपेक्षा कहेंगे तो ज्ञानी भोगेगा ही नहीं, वो तो भिन्न रह सकता। सल्ला जी, उससे नहीं, अपन किस अपेक्षा में ले जाएं और किस स्थिति में भोगे उसमें आगे और बांधे या ना बांधे ये अपने ऊपर अपनी योग्यता पर कह रहा है। तो ये सारे जो कथन होते हैं ना आगम के, ये सब अलग अलग अपेक्षाओं वाले कथन है, और जिस जीव के अंदर में जैसी धारा होती है ना वो उस महा से पकड़ता है। तो भैया सब सब मोक्ष मार्गी है, सब अपनी अपनी बात में सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है, सबका चिंतन अपने अपने आधार पे है। और भैया सल्ला जी आपको बढ़िया स्वभाव की महिमा है, और हमारा भी फेवरेट विषय द्रव्यानि योगी है, परिणामी योग तो क्या बोलते हैं हमारा रुचिकर परिणाम रूप विषय है, वो अलग चीज है, लेकिन हमारा मूल फेवरेट विषय द्रव्यानि योगी है। और जब हम करणानि योग के विषय को अनभिज्ञ थे, जब बहुत ज्यादा अनभिज्ञ थे, तब हम भी आप ही की तरह पूरा तर्क करते थे, कोई भी यहाँ वहां की बात करे और हमारी अंतरात्मा कहती थी कि सब झूठ है, हमारा स्वभाव सत्य है, बहुत अच्छी बात है, स्वभाव का बहुमान होना ही चाहिए, इसके तो पक्षधार हम हैं। लेकिन धीरे धीरे सारे समझ में अपने जीवन में आते जाए और अपन आत्म कल्याण के मार्ग में सहसा मार्ग तो इतना ही है कि मैं सब पर्यायों से भिन्न ज्ञाता स्वभाव हूँ, मार्ग तो इतना ही है, एक के साधे सब सरे, सब साधे सब जाए, होना तो काम इसी से है। तो अपन आत्मा के बहुमान और प्रसाद के साथ आगे बढ़ते जाए और जिनेन्द्र देव की इस वाणी को स्वीकार करके सम्यक का बीजारोपण करें, यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य अमृतमयी शुद्ध चिन्मय।